मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। सब्जी टूटने के एक घंटे के अंदर बना के खा ली जाए तो बहुत अच्छा है,
एक दिन बाद खाएंगे तो और खराब है, दो दिन बाद खाएं और भी ज्यादा खराब है, जितना समय बीतेगा उतनी खराब होती जाएगी, फ्रेशनेस तो कम होगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का लेवल घटता जाएगा और एमिशन के असर से वो बिल्कुल सब्जी नहीं जहर हो जाए। अब हम ज्यादातर लोग फ्रिज की सब्जियां खा रहे हैं, फ्रिज की दाल खा रहे हैं, फिर कहते हैं जी हमारी एड़ी में दर्द होता है, कोई कहता है घुटने दुखते हैं, किसी की कमर में दर्द होता है, किसी के कंधे में दर्द होता है। ये तो होने वाला है क्योंकि जो कुछ आप खा रहे हैं वो इसी के लिए। और अब तो कुछ घरों ने क्या किया है, फ्रिज में पानी भर के रखना शुरू किया, कोई भी अतिथि आएगा फ्रिज की बोतल सीधे उसके सामने रख देंगे, पानी गिलास में ला के नहीं रखेंगे क्योंकि पता ही नहीं चलता कि वो घड़े का है कि फ्रिज का, तो बोतल रखे सीधे। हमारे घर में फ्रिज है, आप जानते हैं फ्रिज के पानी का कमाल क्या है। यूरोप में मैंने देखा है कि वहां के लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर, इतना ठंडा कि वो बर्फ जैसा, उनकी मजबूरी है क्योंकि साल में 6 महीने पानी ही ऐसा मिलता है, तो वो तो बेचारे मजबूरी के शिकार है इसलिए पीते हैं। हमने वो मजबूरी को स्टेटस सिंबल बना लिया, हम फ्रिज में पानी ठंडा करके फिर पीते हैं। परिणाम यह है कि यूरोप के लोग जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, जब उनके यहाँ सर्दी के दिन होते हैं जैसे दिसंबर से लेके नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, उतने दिनों में हर यूरोपीय नागरिक सवेरे सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाएगा तो 2-2 घंटे तक बाहर ही नहीं आए। उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे टॉयलेट में 2 घंटे, तो कहते न्यूज पेपर पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, स्टूल साफ नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, स्टूल पास नहीं होता, क्यों, कब्जियत हो गई। कब्जियत किससे होती है, ठंडे पानी से, तो 2-2 घंटे बैठे रहते हैं कमरों पर, जोर लगाते हैं फिर भी नहीं आते, कभी कभी गाने गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आई तो भी नहीं आती। तो वो फिर गर्म पानी पीना शुरू करते हैं, एक पानी बदल जाता है, स्टूल बहुत अच्छे से पास हो गया, तो वो तो फ्रिज का पानी पीते नहीं कभी, लेकिन पीते हैं तो कुछ मजबूरी है, हमने उसको स्टेटस सिंबल बना दिया। तो जितने घरों में फ्रिज का पानी पिया जाता है उन घरों में अब यूरोप जैसा ही सिस्टम आ गया। मैंने देखा हिंदुस्तानी घरों में भी कमोड सीट बनाते हैं, क्यों, इंडियन स्टाइल का क्यों छोड़ दिया, अब इंडियन स्टाइल के प्लॉट पे 5 ही मिनट बैठ सकते हैं, इनको 2-2 घंटे बैठने का है, तो कमोड सीट लगा। ये है टेक्नोलॉजी का अंतर। उन्होंने ये टेक्नोलॉजी लाई, उसमें इतने परेशान हैं कि उनकी हालत है। अब यूरोपियन और अमेरिकन कोई व्यक्ति आपको मिले आप उनके पास में नहीं बैठ सकते, क्यों, बहुत बदबू आती है, इतनी बदबू आएगी कि कोई अमेरिकन अगर आपके पास नसीब में मुंह करके बात करने लगे आप मुंह बंद कर लेंगे, नाक बंद करेंगे, मुंह से बदबू ही बदबू आती है। कारण क्या है, पेट साफ नहीं है तो मुंह से बदबू आने वाली, अब पेट साफ नहीं तो मुंह से बदबू आ रही है, तो उस बदबू को कंट्रोल करने के लिए वो माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते हैं, हर 15 मिनट पे माउथ फ्रेशनर स्प्रे, और माउथ फ्रेशनर सभी इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, तो वो सब केमिकल शरीर में जाते हैं और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे अमेरिकन और यूरोपियन के पास में आप बैठ जाओ तो पसीने की भी बदबू आती है, और उस पसीने की बदबू को कंट्रोल करने के लिए डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं। डिओडोरेंट स्प्रे करना, माउथ फ्रेशनर स्प्रे करना उनकी मजबूरी है, स्टेटस सिंबल है, लेकिन हम मूर्खों ने उसकी नकल कर करके अपने देश में भी डिओडोरेंट लाए और माउथ फ्रेशनर लाए। हमको सांस में बदबू इतनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी माउथ फ्रेशनर करते नकल करते हैं, और वही केमिकल शरीर में जाते हैं जिनके साइड इफेक्ट हमारे जिंदगी में हो जाते हैं। ऐसे डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं, स्किन रफ हो जाती है, बहुत रफनेस बढ़ जाए तो एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा हो जाए तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता, डॉक्टर कहता भाई आप चाहे जितना खर्च करो ये ठीक होने वाला नहीं। ये टेक्नोलॉजी का अंतर है। मैं आपको फिर वही बात समझाना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी किसी देश की जरूरत के हिसाब से आती है।
स्टेटस सिंबल नहीं होती। हम भारतवासियों ने क्या किया कि यूरोप और अमेरिका की जरूरत के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी बनी उसको हमने स्टेटस सिंबल मान लिया और यही हमारी